हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाईफाई राउटर के बारे में। जी हां फ्रेंड्स, आप सभी ने इसका नाम कभी ना कभी सुना होगा, और अगर आप इंटरनेट यूज़र हैं और जानकारी रखते हैं इंटरनेट के जो डिवाइसेस हैं उनके बारे में, तो आपने इसका भी नाम कभी ना कभी सुना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता है कि वाईफाई राउटर क्या होता है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर वाईफाई राउटर होता क्या है और ये कैसे आपको एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराने में आपकी हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, ये जो हमारा वाईफाई राउटर होता है, ये एक हार्डवेयर नेटवर्क डिवाइस होता है जो आपके नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टार्टिंग से हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जितना भी डेटा आज इंटरनेट पर मौजूद है, वो छोटी छोटी डेटा पैकेट्स के अंदर मौजूद है, और वो जो डेटा पैकेट्स हैं हमारी ट्रांसफ़र होती रहती हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो हमारा राउटर होता है, इसका काम ये होता है कि यहाँ पर इन डेटा पैकेट्स को ये रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद उस जो भी इंफॉर्मेशन उन डेटा पैकेट्स के अंदर उनको दी जाती है, उस प्रोसेस को उसको कह सकते हैं, उस डेटा को प्रोसेसिंग में लेता है, उसको एनालाइज करता है, और एनालाइज करने के बाद जो भी डिवाइसेस आपके राउटर के साथ कनेक्टेड रहते हैं उन तक उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम ये वाईफाई राउटर करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बेसिकली अगर आप समझना चाहें तो वाईफाई राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर आप इसको अपने घर में इंस्टॉल करा सकते हैं, यानी कि आपका जैसा सेटअप बॉक्स रहता है उसी तरीके का एक आपके पास एक बॉक्स आएगा, और एक बार इंस्टॉलेशन के बाद आपको उसमें कह सकते हैं इंटरनेट स्पीड मिल जाती है अच्छी खासी चलाने के लिए, और यहाँ पर आपको मंथली सब्सक्रिप्शन इसका लेना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये तो था कंप्लीट कि आखिर वाईफाई राउटर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसको आसान भाषा में या आसान शब्दों में इसको समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वाईफाई राउटर एक हार्डवेयर होता है जो आपके एक कंप्यूटर नेटवर्क को दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वाईफाई राउटर होता है, इससे आप कई सारे डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनके अंदर इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी जो लिमिट है वो है 250 डिवाइसेस। जी हाँ फ्रेंड्स, 250 अलग अलग डिवाइसेस को आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अगर इतने डिवाइसेस आप कनेक्ट करते हैं तो आपकी जो इंटरनेट स्पीड होगी वो काफी ज्यादा कम आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप अगर 10-15 डिवाइसेस यूज करते हैं तो आपको एक अच्छी खासी स्पीड वहां पर देखने मिल जाती है, लेकिन अगर लार्ज अमाउंट में यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में अगर डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो वहां पर आपकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है या फिर जो इंटरनेट स्पीड है वो काफी ज्यादा इसमें घट जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इसके साथ अपने कह सकते हैं लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं, आपके जो म्यूज़िक सिस्टम्स होते हैं, जो ब्लूटूथ स्पीकर्स होते हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं, आपके डिजिटल कैमरास को कनेक्ट कर सकते हैं, आपकी स्मार्ट वॉचेस आती हैं उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के ऐसा कोई भी डिवाइस जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल करता हो आप उसके इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आसानी से उसके अंदर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था वाईफाई राउटर। मैं उम्मीद करूंगा कि आज की इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर वाईफाई राउटर होता क्या है और ये कैसे काम करता है आपके डिवाइसेस के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगा मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर हमारी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं आप उनको मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।